छत्तीसगढ़ क्रांति सेना रायपुर जिला इकाई के द्वारा आज हसदेव बचाओ अभियान के तहत राजधानी रायपुर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच के कलेक्टर ला राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी और हसदेव बचाए के मांग करेगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना कार्यकर्ता मन भूपेश सरकार और बीजेपी नेता मन पर जम के निशाना साधिस। बता दें कि कार्यकर्ता मन के कहना रिस की अडानी के साथ मिल के कांग्रेस और बीजेपी हा अपन स्वार्थ के खातिर हसदेव अरण्य ला बर्बाद करा थे और अपन आँखी से देखा थे। बता दें कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के कार्यकर्ता मन भूपेश सरकार और बीजेपी नेता मन ऊपर जमकर निशाना साधिस है। वही कार्यकर्ता मन कहिस कि अडानी के साथ कांग्रेस और बीजेपी हा मिले हवे और अपन स्वार्थ के कारण हसदेव अरण्य ला बर्बाद हुआ अपन आँखी ले देखा थे, पर छत्तीसगढ़ क्रांति सेना हा हर स्तर में हसदेव अरण्य ला बचाए खातिर संकल्पित हवे। हमन चाहत हन कि हमर छत्तीसगढ़ में और पूरा देश में और पूरा विश्व में प्रकृति से छेड़छाड़ करना बंद करे जाए। जिन कॉरपोरेट कल्चर यहाँ चलत है और ओकर आड़ में विकास के नाम से जिन हमर जंगल मन ह कटावत जात है, प्रकृति के क्षय होवत है, ओकर विरोध हमन करत है। हाँ, अभी हमन ला सब्बो जिला में आज हमन कलेक्टर साहब के थ्रू राष्ट्रपति ला ज्ञापन सौंपत हन। ओकर बाद अगर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो फिर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना वहाँ हसदेव अरण्य जाही। अभी हमर मन के सियान मन लगातार दौरा करत है, ओकर बाद पूरा प्रदेश के हजारों लाखों सेनानी वहाँ जाही और ओला बलपूर्वक रोकी। जोहार छत्तीसगढ़, आज हमन सब्बो सेनानी मन आज यहाँ कलेक्टर गार्डन में एक पाए के सकलाए हन। काबर कि आप मन जानत हो यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के सरकार है और केंद्र के मोदी सरकार है, एमन दोनों जन मिल करके छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन ला बर्बाद करे के ठान ले है। एमन हाँ पैसा के लालच में पूरा छत्तीसगढ़ ला बेचत है। आप मन अंदाजा लगा सकते हो हमन है आज ये पेड़ के छाँव में मतलब इतना धूप में खड़े हैं। यही पेड़ अगर नहीं रहती तो हम आज ये जगह में खड़े नहीं हो पाते। छत्तीसगढ़ में ये दुर्दशा करना चाहते हैं ये जो शासन में बैठे रहते मन है। अभी गुजरात में राहुल गांधी है आंदोलन कर रहे थे पेड़ बचाव करके और यहाँ भूपेश बघेल है नाटक कर रहे थे। ये जनता दिखा थे। मैं भूपेश बघेल ला चेतावनी देवा था, छत्तीसगढ़िया मन के शोषण करना बंद करो। आप पेड़ पौधा लगाए के नौटंकी करा दो, ये नौटंकी ला बंद करो। आप हसदेव ला बचाओ। जनता आपके आप ला एक उम्मीद के साथ ला है, मगर आप मन करत का हो जनता के साथ। हमर बर ऑक्सीजन नहीं रही, हवा पानी नहीं रही तो जनता जी ही कैसे। धन दौलत नहीं चाहिए हमला, हम गरीबी में भी जी लेबो मगर बिना हवा पानी के नहीं जी सकन। आप मन से निवेदन करत हूँ, शासन में बैठे थे सत्ता पक्ष में बैठे भाजपा और कांग्रेस से निवेदन करत हूँ का वो मल्ला हवा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये हसदेव के जंगल अगर बर्बाद होइस तो छत्तीसगढ़िया मल्ला बर्बाद होए में कोनो नहीं रोक सके। अभी कोरोना काल में आप मल्ला मालूम हुई सिलेंडर पर कैसे हाहाकार मचे रही थे, हवा पर पानी पर ऑक्सीजन पर। आप मन अंदाजा लगाओ और पार्टी के मोह माया ला छोड़ो और ये जो हसदेव बचाओ के आंदोलन है तो मैं आप मन के भी भागीदारी बहुत जरूरी है। हसदेव के जंगल ला बचा लो, ये मार्मिक अपील करा था छत्तीसगढ़िया मन। हाँ सोचो अगर का हाल हो ही अगर वो जंगल कटी थे। उतना जीव जंतु है, उतना बड़े बड़े पेड़ है, 400 साल 500 साल पुराना पेड़ है, खनिज संपदा से भरपूर है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी से भरपूर है। हाथ जोड़ करके निवेदन करा था आप मन से ये हसदेव के जंगल के बचाए के मुहिम में आप मन साथ आवाओ। और आज हम सकला करके राष्ट्रपति के नाम से कलेक्टर हमन ज्ञापन देवत हन कि ओकर मन के आँखी खुले और ये जंगल ला बचाए में अपन सहभागिता जाए। जोहार छत्तीसगढ़। सरकार ला सही बात तो ये है कि वहाँ कोयला के भंडार है ना, और उनमें लाखों करोड़ों रुपया अडानी से मिली तो ये मन ये सोचा थे कि पैसा के दम में हमन हाँ जंगल ला साफ कर देवो करके। अरे जंगल ला साफ करी तो वही भूपेश बघेल वही मोदी वही अडानी ला तो हवा पानी की जरूरत पड़ी, फिर पैसा में खरीद सकी का। वो तो बड़े आदमी ओमन खरीद लिए, वो आम जनता कहाँ जाए बिना हवा पानी के तो मर जाए।